नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्रा में। आज एक और बढ़िया विषय जिसपे हर कोई सुनना चाहेगा, ग्रहों का बलाबल, वो कैसे देखते हैं, उसका क्या प्रभाव होता है और प्रिडिक्शन के अंदर उसका रोल क्या होता है, वो आज हमारी आदरणीय उत्तरा दीदी हमें बता रही हैं। मैं आप सबके सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। एक्चुअली जैसा कि हमारे इस नाम से ही है कि ग्रहों का बलाबल, मतलब कि वो ग्रह जो हैं बलवान हैं कि कमजोर हैं, ये हम देखते हैं ग्रहों की स्थिति से। और इसके विषय में, इस विषय में पश्चिमी देशों में भी बहुत काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष में ही हुआ है, पश्चिमी देशों में भी ग्रहों का बलाबल देखा जाता है। उनके अनुसार जो ग्रह है उनका भी मैं मत बता दे रही हूँ इसलिए ताकि सब लोगों को पता लगे। तो उनका ये कहना है कि यदि ग्रह अपनी ही राशि में होता है तो वो सर्वाधिक बलवान होता है। हमारे यहाँ जबकि उच्च का ग्रह सर्वाधिक बलवान माना जाता है। और उसके बाद वहां पर चूंकि सायन पद्धति से देखते हैं, हम निर्यन पद्धति से देखते हैं, तो उसके बाद जो है स्वग्रह जी के बाद वो उच्च के ग्रह को मानते हैं कि यदि उच्च का होता है तो। और उसके बाद उन्होंने विभिन्न डिग्रियां जैसे हम लोगों ने भी दे रखी हैं कि इतनी अंश पर वो उच्च का रहेगा, परमोच्च बिंदु जिसको हम कहते हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि सूर्य मेष राशि में 19 डिग्री पर ही उच्च का रहता है, इस टाइप से चंद्रमा वृषभ राशि में 3 डिग्री का। तो ये हमारे में और उनमें बहुत कोई भेद या अंतर नहीं है, अपन उसको परमोच्च बिंदु मानते हैं। और इनका एक और चीज कहना है कि जिन राशियां जो होती हैं, जिनको हम नीच का कहते हैं, तो वो सामने वाली राशि होती है ना, जैसे मेष राशि में सूर्य उच्च का है तो उसके सामने वाली राशि तुला में वो नीच का है, तो उसको वो सामने वाली राशि को वो डेट्रीमेंटल हाउस मानते हैं कि मतलब वहां पर जाकर ग्रह जो है वो कमजोर हो जाता है। और एक और चीज उन्होंने ये कही है कि केंद्र में सभी ग्रह बलवान होते हैं, पश्चिमी देशों में जो माना जाता है कि केंद्र स्थान जो है कुंडली के उनमें सभी ग्रह बलवान होते हैं, और विशेष रूप से दशम भाव में। हमारे यहाँ भी यही स्थिति मानी जाती है। और स्वग्रही जो रहता है अपनी राशि में जो रहता है वो ग्रह स्वग्रही कहलाता है। और उनके यहाँ जो है पश्चिमी देशों में विशेष रूप से मूल त्रिकोण राशि, षडबल, अष्टबल, ये सब कुछ भी नहीं माने जाते। ये मैंने थोड़ा सा बताया ताकि हम लोगों को पता लगे कि पश्चिमी देशों के भी क्या विचार हैं। हम ऐसा नहीं मान सकते हरगिज भी कि ज्योतिष का विकास केवल भारतवर्ष में हुआ है, विदेशों में भी हुआ है, पश्चिमी देशों में भी हुआ है। अब हम भारतीय पद्धति पर आ जाते हैं जो हमारी वैदिक पद्धति है। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में हमारे विद्वानों ने 6 बातों से बल जो है ग्रहों का देखा जाता है, और जो उससे हम ये ज्ञात करते हैं कि ग्रह जो है व्यक्ति के लिए या जातक के लिए अच्छा रहेगा या खराब रहेगा। उसमें जो बल आता है उनमें बल का ही नाम लिया गया है, जैसे काल बली, चेष्टा बली, उच्च बली, दिग बली मतलब दिशा बली, और अयन बली तथा स्थान बली। ये इस तरह के षट बल उनके लिए प्रयोग किए हैं कि विभिन्न भारतीय जो शास्त्र हैं उनमें उन्होंने ये कहा है कि चंद्रमा, शुक्र और शनि जो लोग रात्रि में जन्म लेते हैं उनके लिए बली माने जाते हैं। रात्रि में जन्म लेने वाले लोगों के लिए चंद्र, शुक्र और शनि बलवान माने जाते हैं। बुध किसी भी समय बली माना गया है, कभी भी जन्म लो। मंगल और सूर्य तथा गुरु, ये जो तीनों पुरुष ग्रह हैं, ये दिन में बली माने। चंद्रमा पूर्णिमा और शुक्ल पक्ष में बलवान माना गया है, इसके विपरीत कृष्ण पक्ष और अमावस्या के समय का चंद्रमा बहुत ही कमजोर और क्षीण माना जाता है। इसके अलावा सूर्य जब उत्तरायण में होता है तब भी वो बली माना जाता है। सूर्य और मंगल दशम भाव में बली माने गए हैं, चंद्रमा और शुक्र चतुर्थ भाव में बलि माने गए हैं। उसके पीछे कारण भी है कि सूर्य और मंगल जो है हमारे कर्म व्यवसाय को प्रतिज्योतित करते हैं, पुरुष ग्रह हैं, इसलिए उनका दशम भाव में होना बहुत उनको बलवान बना देता है, उनके प्रिय भाव हैं। और चंद्रमा और शुक्र जो है वो चतुर्थ भाव में इसलिए बलि माने गए हैं क्योंकि चतुर्थ भाव हमारे लिए माँ का कारक है और चंद्रमा माँ का कारक है। इसके अतिरिक्त शुक्र हमारी सुख सुविधाएं, घर के अंदर की सुख सुविधाएं, वाहन, इन सब का कारक है, इसलिए शुक्र को भी हम चतुर्थ भाव में बलि मानते हैं। बुध और गुरु को हम लग्न में बलि मानते हैं, हालांकि बुध को हम चतुर्थ भाव में भी मान सकते हैं क्योंकि शिक्षा का भी भाव है वो, तो गुरु और जो बुध हैं वो चतुर्थ भाव में भी बलवान माने गए हैं।
और शनि को सप्तम भाव में बलवान माना गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम उत्तरायण और दक्षिणायन में भी लें, जिस तरह से हम सूर्य को लेते हैं कि हमने सूर्य को उत्तरायण में बलवान माना है, तो चंद्र, बुध और शुक्र उत्तरायण में बलवान माने गए हैं। बचे हुए जो ग्रह हैं मंगल, गुरु, शनि, ये दक्षिणायन में बलवान होते हैं। मतलब जब दक्षिणायन मेष राशियां हैं, मतलब जो कर्क राशि के बाद से जो राशियां आती हैं, कर्क राशि से जुलाई के बाद से 15 जुलाई से दक्षिणायन में शुरू हो जाता है ना, तो उस समय जो जो जिन जिन राशियों में ग्रह पड़ते हैं वो बलवान माने गए हैं, मंगल, गुरु और शनि। और ये जो है उत्तरायण की राशियों में मकर राशि से लेकर कर्क राशि तक, छह छह राशियों। एक चीज और है कि हमारे जो देवज्ञ हैं, ऋषि मुनि हैं, ज्योतिषी हैं पुराने, उन लोगों ने ये माना है कि बलवान ग्रह जो होता है कुंडली में, बलवान मतलब उच्च का हुआ, स्वग्रही हुआ, बलवान ग्रह हमेशा अच्छा फल देते हैं, ऐसा हमारे यहाँ मानी गए और लोग मानते भी हैं इस चीज को। और जो कमजोर ग्रह या नीच के ग्रह होते हैं वो हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसा मानना जाता है। लेकिन हम व्यवहार में देखते हैं कि ये जो हमारी सोच है ये गलत साबित होती है कि कर्क लग्न में जो जन्म लेता है जातक, उसके लग्न में उच्च का स्थित गुरु, गुरु उच्च का है लग्न पे उसके, लेकिन वो अपनी दशा अंतरदशा में अच्छे परिणाम नहीं दे पाता यदि वो शनि या बुध के नक्षत्र, क्योंकि दोनों ही ग्रह शनि और बुध कर्क लग्न वालों के लिए अकारक हैं। शनि सप्तमेश अष्टमेश है और बुध तृतीयेश और व्ययेश है। एक तरह से गुरु अपने भी नक्षत्र में यदि हो कर्क में, कर्क राशि के चतुर्थ चरण में, मतलब पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में भी हो, तब भी वो अपनी दशा में, क्योंकि गुरु भी उनके लिए छठे भाव का स्वामी भी होता है, हालांकि भाग्य भाव का स्वामी भी है, तो भी वो बहुत अच्छे फल नहीं देता अपनी दशा अंतर दशा में। इसी प्रकार हम देखते हैं कि मेष लग्न वाले जातक जो होते हैं उनके लिए सप्तम भाव में उच्च का शनि, हम उच्च सप्तम भाव में शनि को बलि मानते हैं और सप्तम भाव में तुला राशि आएगी मेष लग्न वालों के लिए, तो उच्च का जो शनि रहता है वो अपनी दशा अंतर दशा में बहुत परेशानियां देता है, असंतोष देता है, अपमान देता है। कारण मैं बताती हूँ आपको कि तुला राशि में तीन नक्षत्र हैं, मंगल का, राहु का और गुरु का। मंगल जो है मेष लग्न वालों के लिए लग्नेश है तो अष्टमेश भी है, तो चिंता और परेशानियां देता है। हाँ, राहु के नक्षत्र के बारे में थोड़ा सा हम सोच सकते हैं, वो राहु की स्थिति पर निर्भर करता है, यदि राहु सुस्थापित है तो फिर भी थोड़े फल ठीक ठाक मिल जाएंगे, अन्यथा अगर राहु भी कुंडली में दू स्थानों में है तो अच्छे फल नहीं मिलेंगे। और गुरु जो है भाग्य भाव का स्वामी है लेकिन वो व्यय भाव का स्वामी भी है, तो वो बहुत अच्छे फल नहीं दे पाता, सोचिए। तो ये आवश्यक नहीं है कि बलवान ग्रह जो है हमेशा अच्छे ही फल दें और नीच के ग्रह हमेशा खराब फल दें। इसमें ये नियम जो है ये थोड़ा सा हमें भ्रमित करते हैं, हमें हमेशा ऐसे समय में उनके नक्षत्रों पर जाना चाहिए कि वो किन नक्षत्रों में है और नक्षत्र स्वामी किन किन भावों के स्वामी है और कहाँ बैठे। और इसी मामले में कृष्णमूर्ति जी ने इस बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझा दिया है कि ना तो इतने ज्यादा नियम लागू करने की आवश्यकता है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जन्म कुंडली में उच्च का हो नीच का हो, ग्रह वक्री हो या मार्गी हो, ये भी उन्होंने तो कह दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। विशेष रूप से उन्होंने कहा है कि वक्री होने पर ना तो ग्रह कमजोर होता है और ना ही मार्गी होने से वो बलवान हो जाता है। इस विषय में हमने और जो व्यवहारिक रूप से जो देखा है वो ये भी देखा है कि जब वक्री होता है ग्रह तो वो उसकी चाल जो है उसमें तीव्रता आती है, उसके कारण वो उसके जो फल है थोड़े अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। तो यदि वो अच्छे भावों से जुड़ा हुआ ग्रह वक्री हुआ है तो वो आपको कभी कभी बहुत अच्छे फल दे जाता है, और अगर खराब भावों से जुड़ा हुआ ग्रह है तो वो बहुत ही खराब फल देता है। तो हम ये कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि ये ग्रह जो है वक्री है इसलिए अच्छे फल नहीं दे रहे, मार्गी होंगे तब अच्छा देंगे, इस तरह से हमारी चर्चाएं आती रहती हैं। इसके लिए कृष्णमूर्ति जी ने एक उदाहरण भी दिया है कि हम 1922 का दिया है क्योंकि उनकी तो किताब पुरानी लिखी हुई है, मार्च और अप्रैल और मई इनमें जन्मे जो जातकों की कुंडलियां हम अगर देखें तो हम पाएंगे कि गुरु और शनि, अभी भी गुरु और शनि वक्री थे और मकर राशि में ही थे अभी हमारे साथ, तो उन्होंने उस समय कन्या राशि में शायद वक्री थे, तो जिन जातकों का जन्म मंगल या राहु के नक्षत्र में हुआ
उनके गुरु की महादशा भी आई और शनि की महादशा भी उनके जीवन में आई, तो उसमें उनकी शिक्षा दीक्षा भी हुई, उनके विवाह भी हुए, संतानें भी हुई, उन्होंने वाहन भी खरीदे, घर भी खरीदे और जीवन की सारी सुख सुविधाएं प्राप्त की। तो हम ये नहीं कह सकते कि ग्रह वक्री थे इसलिए वो अच्छे फल नहीं दे पाते, उन्होंने जीवन में उनके किसी भी प्रकार की अड़चने पैदा नहीं की। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं कि वक्री ग्रहों का कोई बहुत बुरा प्रभाव हमारी जन्म कुंडली में नहीं पड़ता, बशर्ते कि वो अकारक भावों के स्वामी के नक्षत्रों में हो, तभी वो हमें दुष्परिणाम दे सकते हैं और उनकी दशा भी चल रही हो। अगर उनकी दशा नहीं चल रही होती है तब भी वो बुरे परिणाम नहीं देते हैं। और इसी प्रकार जैसे उच्च का ग्रह होता है, किंतु यदि वो किसी नीच के ग्रह के नक्षत्र में होता है तो उसकी तुलना हम इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे एक बड़ा बर्तन है और उसमें नक्षत्र एक सामान की तरह है और उसने पूरा उसको घेर रखा है बड़े बर्तन को, और वो सामान क्या है, बहुत सस्ता है या रुई की तरह है, मतलब पूरा भरा हुआ तो है वो लेकिन रुई है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उच्च का ग्रह यदि नीच ग्रह के नक्षत्र में होता है तो वो उतने अच्छे फल नहीं दे पाता क्योंकि कोई उसकी वैल्यू नहीं रहती है, लेकिन यदि नीच का ग्रह उच्च के ग्रह के नक्षत्र में हो जाए तो वो छोटा पैकेट और बड़ी माया वाला फल देता है, क्योंकि उच्च के ग्रह के नक्षत्र में होकर और नक्षत्र का स्वामी यदि शुभ भावों का स्वामी है तो बहुत अच्छे परिणाम है कि छोटे पैकेट में कीमती रत्न रखा है। तो हमें नक्षत्र स्वामी को हमेशा देखना चाहिए और ग्रहों का बलाबल, और सामान्यतया तो जो हमने व्यवहारिक रूप से हमने जो नियम निकाले हैं वो ये निकाले हैं कि उच्च का ग्रह जो है सबसे बलवान माना गया है भारतीय पद्धति में। उसके बाद आता है स्वग्रही, उसके बाद आता है मित्र क्षेत्री। इनकी जो पावर है, ग्रहों की जो पावर है, इसके अनुसार घटती बढ़ती रहती है और उसी के अनुसार वो अपने फल प्रदान करते हैं। बल का मतलब होता है स्वास्थ्य, निरोगी, बलवान, मतलब ये है कि यदि उच्च का रहेगा तो वो बहुत मतलब फल देगा पूरी अपनी तंदुरुस्ती से, कि जितना एक हेल्दी पर्सन काम कर सकता है। फिर स्वग्रही है तो वो भी अच्छा है, मित्र क्षेत्री है तो वो भी अच्छा फल दे देगा। इसके बाद आते हैं शत्रु क्षेत्री, शत्रु राशियों में जो ग्रह होते हैं वो थोड़े कमजोर हो जाते हैं तो वो उतने अच्छे प्रभाव नहीं दे पाते, और सबसे कमजोर होते हैं नीच ग्रह, नीच राशि में बैठे हुए, नीच राशि में ग्रह बैठे हुए ग्रह जो हैं हम उनको बीमार व्यक्तियों की तरह मान सकते हैं, कि वो करना तो चाहते हैं, अच्छे भाव से जुड़े हुए हैं, वो करना भी चाहते हैं लेकिन वो अस्वस्थ हैं, उनमें ताकत ही नहीं है कि वो बहुत अच्छे परिणाम दें। तो वो परिणाम तो देते हैं लेकिन बहुत अधिक अच्छे परिणाम नहीं दे पाते, इसीलिए वो कमजोर हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि नीच के ग्रह हमेशा खराब फल देंगे और उच्च के ग्रह हमेशा अच्छा फल देंगे। हमें हमेशा एक बार नक्षत्रों पर अवश्य ध्यान दे देना चाहिए कि ये ग्रह किस नक्षत्र में है और नक्षत्र का स्वामी किन भावों का स्वामी है और कहाँ बैठा है। यदि हम इतना भी देख लेंगे तो हमारे जो फलित हैं वो कभी गलत नहीं होंगे, हम सीधे निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। तो ग्रहों का बलाबल जो है हम इसी प्रकार यदि देखें तो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा, हम आदत डाल सकते हैं इसकी, बहुत सिंपल है और हम उनका बलाबल पता लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे शास्त्रों में जो लिखा है उसका भी हम ध्यान रख सकते हैं, इसमें कोई बात 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 ही नहीं है कि दिन में कौन से ग्रह बलि हैं, रात में कौन से ग्रह बलि हैं, है ना, दिशा बलि कौन से हैं, आयन बलि सारा हमने बता ही दिया। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो ग्रहों का बलाबल जानने में आपको आसानी रहेगी और प्रेडिक्शन किस हद तक वो देंगे अच्छा या बुरा ये हम उनकी दशाओं और अंतर दशाओं में आराम से ज्ञात कर सकते। आप लोगों ने वीडियो ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत बढ़िया शानदार वीडियो, कंप्लीट वीडियो, पूरी जानकारी से भरा हुआ, इसके लिए फिर से हृदय से धन्यवाद, आभार। मैं सभी से आग्रह करूंगा, आदरणीय उत्तरा दीदी का मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन्ड है, जिनको कोई कंसल्टेंसी या एजुकेशन रिलेटेड कोई भी बात करनी है उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।